सवाल है, क्या शरीयत में तलाक़ देने की कुछ जायज़ सूरतें बताई गई हैं? तलाक़ की जो शक्ल है वो जायज़ ही है, शरीयत में जो शक्ल तलाक़ की दी गई हो जायज़ ही है। नहीं, अगर एक शख्स तलाक़ देना चाहता है तो नाजायज़ और हराम काम नहीं कर रहा है, तलाक़ देना चाहता है वो दे सकता है। अब सवाल ये है कि इंसान ये तलाक़ जो दे रहा है, ये तलाक़ क्यों दे रहा है? हमें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। एक इंसान जिस वजह से भी तलाक़ दे रहा हो किसी को, जिस वजह से भी दे रहा हो, अगर तलाक़ कहता है तो तलाक़ वाक़ हो जाती है, ये जायज़ शक्ल है। सबब जो कुछ भी हो, सबब जो कुछ भी हो जायज़ है। एक इंसान बिना किसी वजह के भी तलाक़ दे सकता है, अगर दे दिया खेल तमाशे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सलासुन जिद्द हुन्न जिद्द व हज़लु हुन्न जिद्द, तीन चीज़ें हैं कि अगर इंसान उनका इरादा करता है तो, और हंसी के तौर पर करता है तो, तीनों चीज़ें वाक़ हो जाती हैं। क्या वजह है उसके पीछे? हंसी का तमाशा, इसे तमाशा, कोई वजह हुई है? कोई वजह नहीं हुई। तो बिना किसी वजह के भी अगर इंसान उस चीज़ को लाता है तो चीज़ हो जाती है तलाक। इससे तलाक़ की खतूरत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि खेल तमाशे वाली चीज़ नहीं है, यानी इसको खेल मत बनाओ। ये बहुत ज़िंदगी के अंदर इज्जत का मामला शरीयत में, इसको जहन में रखें, इज्जत का जो मामला है शरीयत में बहुत अहमियत का हामिल है। इस्लाम जहाँ दीन की हिफाजत के लिए आया है, नफ्स की हिफाजत के लिए आया है, अक्ल की हिफाजत के लिए आया है, माल की हिफाजत के लिए आया है, वही पांचवी चीज़ इज्जत की हिफाजत के लिए आया हुआ। ये पांच अहम बुनियादी चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में, जिनकी हिफाजत का बंदोबस्त इस्लाम ने अपने मानने वालों को सिखाया है। पांच चीज़ें क्या हुई? दीन, नफ्स, अक्ल, माल और इज्जत नफ्स। ये पांच चीज़ें ऐसी हैं कि शरीयत चाहती है कि हर हाल में इनकी हिफाजत की जाए। जिना हराम है, उससे क्या चीज़ तबाह होती है? इंसान की नस्ल, इंसान की नस्ल। यानी अगर किसी की इज्जत से खिलवाड़ किया जाए, किसी की इज्जत के साथ, इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, तो खिलवाड़ की जितनी भी शक्लें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हराम और नाजायज़ हैं, किसी भी हाल में सही और दुरुस्त नहीं है। उसी की एक शक्ल ये है जो तलाक और तलाक या इस जैसी चीज़ों की है, कि एक इंसान जब इस तरफ तलाक़ के मामले में हंसी और मजाक से काम ले रहा है, तो जिसको तलाक दे रहा है, आम तौर पर तलाक जो दी जाती है इसलिए कि हमारा उसके साथ निबाह मुमकिन नहीं है, इसलिए तलाक दी जाती है। दोनों के पास मजबूत किस्म के बेस होते हैं, उस बेस की बुनियाद पर एक दूसरे से ज़िंदगी को अलग करना चाहते हैं, तो गोया कि दूसरे लफ्ज़ों में वो उसकी ज़िंदगी के ताल्लुक से गैर इत्मीनानी सूरत हाल का वो एक पैगाम दे रहा है कि हमारा पार्टनर, हमारा शरीक हयात ऐसा नहीं है कि जिसके ताल्लुक से आप इत्मीनान रख सकें। तो ये बहुत अहम मामला है। तो शरीयत ये नहीं चाहती है कि इंसान खेल और तमाशा बना ले। हाँ, अगर वाकई ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात आए हुए हैं कि जो जिसके साथ साथ ज़िंदगी निभाना आसानी के साथ दोनों का नहीं हो पा रहा है, बेशक इजाज़त जा सकते हैं, दोनों अपना रास्ता चेंज कर सकते हैं, खुशी और सआदत की ज़िंदगी दोनों अपनाने के लिए अलग अलग रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन बिला वजह किसी की ज़िंदगी से खेलना, किसी की इज्जत से खेलना, ये
इस्लाम नहीं चाहता। तो तलाक़ की एक माकूल वजह होती है और एक गैर माकूल। अगर माकूल वजह है तो इंसान गुनहगार नहीं होगा। अगर कोई गैर माकूल वजह है जिसकी बुनियाद पर दिया जा रहा है, तलाक तो हो जाएगी मगर वो इंसान गुनहगार होगा, इसलिए उसको बचना चाहिए।